हाय, दिस इज नैतिक, आई एम फ्रॉम नियॉन एकेडमी फॉर हेयर एंड मेकअप। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हेयर कलर्स पे सीरीज बना रहे हैं। हमने डेवलपर्स, उनके मिक्सिंग रेशियोज, सारे टॉपिक्स पे ऑलरेडी वीडियोस क्रिएट कर रखे हैं। यहाँ पे लिंक है, आप जाके वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली कलर ट्यूब्स के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली कलर ट्यूब्स क्या हैं, काम कैसे करते हैं, इनके वेरियस इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं और कलर ट्यूब्स को आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में सारी डिटेल्स क्रैक करते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। अगर सन 1900 से पहले देखें तो ये जो हेयर डाइज थे ये हर्बल बेस्ड होते थे, प्लांट बेस्ड होते थे। बट ओवर द टाइम इनमें अपग्रेडेशंस आने शुरू हो गए, इसमें चेंजेस आने शुरू हो गए। अब हम केमिकल की तरफ थोड़ा बढ़ने लग गए और ये केमिकल के एडिशंस जो थे ये इवॉल्व होते गए विद द टाइम। ये केमिकल एडिशंस ज़रूरी थे क्योंकि आज के टाइम में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स देखने मिलते हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ है। अगर आप शेड कार्ड देखें, लाखों कलर्स देखने मिलते हैं। ऑल्सो ये कलर्स जो है ये लॉन्ग लास्टिंग है व्हेन कंपेयर टू द डिफरेंट कलर्स। आज के टाइम में ये जो इंडस्ट्री है ये पूरी कलर्स से भरी हुई है। आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, आपको लाखों कलर्स देखने मिलते हैं। तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए समझते हैं कि एक्चुअली कलर ट्यूब में इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। सबसे मेन इंग्रेडिएंट है अमोनिया। देखिए, ये जो अमोनिया है ना, इसका पीएच इज ऑन द अल्कलाइन साइड। ये जैसे ही हेयर के कॉन्टैक्ट में आता है, हेयर थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, थोड़ा सा सूज जाता है और इस स्वेलिंग की वजह से क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं। अब क्यूटिकल्स ओपन होते ही जो कलर के पिगमेंट्स होते हैं ट्यूब में, वो सारे कॉर्टेक्स लेवल में एंटर कर सकते हैं। ये पिगमेंट्स जैसे ही कॉर्टेक्स लेवल में एंटर करते हैं, ये उस कॉर्टेक्स लेवल में जाके वहां पे लॉक हो जाते हैं, वहां पे डिपॉजिट हो जाते हैं। ये अमोनिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ओपनिंग द हेयर क्यूटिकल्स। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो है, इसको हम लोग पीपीडी कहते हैं। पीपीडी का फुल फॉर्म इज पैराफिनिलीन डिमाइन। ये जो केमिकल है ये परमानेंट डाइज में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला केमिकल होता है। इस केमिकल की वजह से हेयर में एक नेचुरल लुक आता है, एक नेचुरल शाइन आती है। ये केमिकल जो है, इसको आप जितना भी शैम्पू से वॉश करें, ये जल्दी से निकलता नहीं है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो पीपीडी जो है ये ऐसी इंक है जो कलर को परमानेंट डाई बनाने में हेल्प करती है, कलर देने में हेल्प करती है। और एक मजे की बात अगर मैं कहूँ तो पीपीडी जो है ये टैटू इंक में भी यूज होते हैं कलर करते वक्त। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट रिसॉर्सिनॉल। रिसॉर्सिनॉल भी परमानेंट हेयर डाइज में पाया जाता है। रिसॉर्सिनॉल जैसे ही डेवलपर्स के कॉन्टैक्ट में आता है, जैसे ही हाइड्रोजन परऑक्साइड के कॉन्टैक्ट में आता है, ये एक्टिवेट हो जाता है और इसी की मदद से जो कलर है वो हेयर में लॉक हो जाता है। रिसॉर्सिनॉल कलर को हेयर में लॉक करने का काम करता है। कलर ट्यूब्स में MEA भी पाया जाता है। MEA का फुल फॉर्म अगर बात करें तो वो होता है मोनोएथेनॉल अमाइन। ये जो MEA है ये एक अमोनिया का सब्स्टिट्यूट है। देखिए, जो अमोनिया है ये क्यूटिकल्स ओपन करने का काम कर रहा है, सिमिलर काम MEA भी करता है। MEA जो है उन क्लाइंट्स के लिए ज़रूर यूज़ करिए जिन्हें सेंसिटिव स्कैल्प है, जो माइल्ड कलर देता है। MEA जो है ये जनरली अमोनिया फ्री ट्यूब्स में पाया जाता है, इसीलिए जो क्लाइंट्स को सेंसिटिव स्कैल्प होता है इनके लिए अमोनिया फ्री ट्यूब्स ज़्यादा रेकमेंडेड होते हैं। ये जो MEA है इनके मॉलिक्यूल्स अमोनिया से कंपैरेटिवली थोड़े बड़े होते हैं, इसीलिए ये अच्छे से क्यूटिकल्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जो कलर है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रह पाता। पर क्लाइंट को कोई इरिटेशन, कोई इचिंग नहीं होगी जब वो कलर करवाने आते हैं। देखिए, ऐसे जो क्लाइंट्स होते हैं ना जिनको सेंसिटिव स्कैल्प है, उनके लिए कंपनीज अलग अमोनिया फ्री की रेंज बनाती है। जैसे अगर लॉरियल की बात करें तो लॉरियल में इनोवा जो है ये पूरी अमोनिया फ्री की रेंज है। इसमें अमोनिया फ्री ट्यूब्स भी रहती हैं और उनके स्पेशल डेवलपर्स भी आते हैं। अगर वेला की बात करें तो वेला में पूरी रेंज है कलर टच की। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये बॉक्स कलर्स में भी होते हैं और प्रोफेशनल कलर्स में भी होते हैं। बट प्रोफेशनल कलर्स में थोड़े माइल्ड फॉर्म में होते हैं, बॉक्स कलर्स में थोड़े से कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। देखिए, ये जो वॉर चल रहा है ना बॉक्स कलर्स वर्सेस प्रोफेशनल कलर्स, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो हमने क्रिएट किया हुआ है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि एक्चुअली कौन सा यूज़ करना चाहिए। जल्द ही इस सीरीज पे और एक नया वीडियो प्लान कर रहे हैं और वो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। मुंबई और पुणे दोनों जगह पे कोर्सेज जो हैं बहुत अच्छे से चल रहे हैं। मुंबई अगर आपको ज्वाइन करना है, 3 मंथ्स का कोर्स है, 40,000 की फीस है, जहां पे आपको हेकाट्स कलर केमिकल सब सिखाया जा रहा है। इंस्टाग्राम चैनल पे आप सारा का सारा काम जो है देख सकते हैं। इनफैक्ट यूट्यूब शॉर्ट्स में भी आप सारा काम देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स कैसे काम करते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। दिस इज नैतिक गंगर साइनिंग ऑफ। टेक केयर।